भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। जम्मू में केंद्र और उमर अब्दुल्ला सरकार को ललकारते हुए मोदी ने धारा 370 पर नए सिरे से चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर देश को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जम्मू में मोदी की ललकार, सोई हुई दिल्ली की सरकार। ललकार रैली में हुंकार भरने जम्मू पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और केंद्र पर हमला जारी रखा। नरेंद्र मोदी के मुताबिक दिल्ली की सरकार को आम जनता और विकास की कोई फिक्र नहीं है। वो ऐसी गहरी नींद में सोए हैं, लगता है 2014 में भी सोते ही रहेंगे। अब इनके जगने की संभावना बची नहीं है। मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जम्मू की बजाय कश्मीर घाटी पर ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगाया। मोदी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में धारा 370 का इस्तेमाल कवच के तौर पर होता है, लिहाजा इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य की दोहरी नीति, धारा 370 पर नए सिरे से चर्चा की जरूरत। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के दो मुहेपन पर भी जमकर हमला किया। मोदी के मुताबिक स्वायत्तता की बात करने वाली उमर सरकार पंचायतों, दलितों और महिलाओं को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार का दो मुहापन, पंचायतों, दलितों और महिलाओं को अधिकार नहीं। क्या पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? ये दोगली नीति कब तक चलेगी? क्या जम्मू कश्मीर के सामान्य मानवी को वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलते हैं? मोदी के मुताबिक देश की अखंडता के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ देश की जनता ने बलिदान दिया है, लेकिन भारत सरकार जमाल सिंह और सरबजीत सिंह को बचा नहीं पाई। अगर एक हफ्ते पहले हिंदुस्तान की सरकार जागती, जमाल सिंह की हत्या के विषय में आवाज उठाती, तो शायद सरबजीत को मरने की नौबत नहीं आती। मोदी वार करे और कांग्रेस पलटवार ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा कांग्रेस ने मोदी से पूछा है कि एनडीए सरकार के दौरान बीजेपी ने धारा 370 का मुद्दा ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया था? इतिहास नहीं जानते मोदी, तोड़ने की राजनीति करते हैं मोदी। मोदी जी को सबसे पहले तो कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हिस्ट्री नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं है। मोदी सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं जम्मू के लोगों को, और आज उनकी तकरीर से बात साफ जाहिर हो रही है कि वो वहां भी उसी बांटने की राजनीति पर अमल कर रहे हैं जो बांटने की राजनीति वो पिछली 20-25 तकरीरों में कर चुके हैं। जाहिर है असल लड़ाई 2014 आम चुनाव को लेकर है, और कांग्रेस मोदी की तुलना में किसी भी कीमत पर 19 नहीं रहना चाहती। इस समय जम्मू से ज्योति पचनंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।